हेलो दोस्तों, एक बार फिर से चुका हूँ आपके लिए एक और अमेजिंग और धमाकेदार वीडियो लेके गाइस। और आज मैं लेके आऊंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 ज्योमेट्री बॉक्स और एक लेके आऊंगा मैं प्रिंसेस का आर्ट पैड। दोस्तों एक है गाइस हमारे पास पो पेट्रोल का सरप्राइजिंग बैग। दोस्तों इन सबको अनबॉक्स करके दिखाऊंगा और ये दिखाऊंगा दोस्तों इन ज्योमेट्री बॉक्स में कितना स्पेस है और ये किस तरह की ज्योमेट्री बॉक्स है। वीडियो अच्छी लगे तो कर देना वीडियो को लाइक दोस्तों, और बहुत ज्यादा अच्छी लगे तो कर देना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर। बाकी शुरू करते हैं आज का कलेक्शन दोस्तों, और चल वो कर लेना सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच वी फैमिली की तरफ से। तो चलो फटाफट आज का कलेक्शन दिखाता हूं। तो आ जाएगा सबसे पहले हमारे पास LOL की काफी जबरदस्त और काफी अमेजिंग सा एक पेंसिल पाउच दोस्तों, और ऐसा पेंसिल पाउच आपने कभी भी नहीं देखा होगा। इसे मैंने 150 रुपीज का परचेज किया, बिल्कुल छोटा सा पेंसिल पाउच है दोस्तों, और इसे जब हम खींचेंगे तो ये देखो दोस्तों कितनी बड़ी हो गई ये पेंसिल पाउच, बिल्कुल बॉटल लुक में हो गई दोस्तों ये पेंसिल पाउच काफी जबरदस्त। और LOL की डॉल भी इसके ऊपर काफी जबरदस्त बनी है, डिजाइन काफी जबरदस्त है, और ये देख सकते हो दोस्तों कितना अमेजिंग है। ये है एक्सपेंडेबल पेंसिल पाउच दोस्तों, काफी अमेजिंग दोस्तों। इसमें एक जिप मिलती है, जिप को ओपन करेंगे तो, और जिप ओपन होने के बाद इस तरह से इसमें गाइस हमें स्पेस मिलता है, और काफी ज्यादा स्पेस मिलता है, और इसमें हमारा काफी सारा स्टडी मटेरियल आ जाएगा, और इसकी क्वालिटी काफी जबरदस्त है। आप देख सकते हो कितना अमेजिंग है। क्या आपने पहले ऐसा एक्सपेंडेबल पेंसिल पाउच देखा है? प्लीज दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखता हूं, नेक्स्ट चीज दिखाता हूं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास ये प्रिंसेस का आर्ट पैड दोस्तों, ये काफी अमेजिंग, और इसमें दोस्तों हमें मिलते हैं 1 2 3 अलग अलग कलर के क्रियॉन्स कलर, और देख सकते हो चलो आपको दिखाता हूँ। और आपने ऐसे क्रियॉन्स कलर नहीं देखे होंगे दोस्तों, तो निकालता हूँ और दिखाता हूँ आपको क्रियॉन्स कलर दोस्तों। ये देखो दोस्तों ये 3 क्रियॉन्स कलर मिलते हैं, एक येलो कलर का मिलता है, एक हमें ऑरेंज कलर का मिलता है, और एक पिंक कलर का क्रियॉन्स कलर मिलता है। और इसके ऊपर देख सकते हो प्रिंसेस की फोटो छपी है, काफी अमेजिंग डिजाइन बना है प्रिंसेस का गाइस, और ये भी क्रियॉन्स है दोस्तों, काफी अमेजिंग। ऐसे क्रियॉन्स कलर आपने कभी देखे हैं दोस्तों तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मुझे तो काफी जबरदस्त लग रहे हैं दोस्तों ये तीनों क्रियॉन्स कलर गाइस, और काफी जबरदस्त है। और ये पैड कैसे हैं आपको दिखाता हूँ। ये है प्रिंसेस का पैड, और इसके अंदर गाइस हमें काफी सारे पेजेस मिल जाते हैं दोस्तों, और इन सारे पेजेस के ऊपर हमें प्रिंसेस की फोटो देखने को मिल जाती है। हर पेजेस पे बिल्कुल अलग अलग डिजाइन बने, आप देख सकते हो हर बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल अमेजिंग। और ये एक्टिविटी बुक भी है दोस्तों, आप देख सकते हो एक एक्टिविटी बुक भी बोल सकते हैं, ड्राइंग बुक भी बोल सकते हैं दोस्तों। आपको ये आर्ट पैड कैसा लगा दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और इसे मैंने परचेज किया 149 यानी 150 रुपीज का मैंने इस आर्ट पैड को परचेज किया दोस्तों। देख सकते हो काफी अमेजिंग जो इसके क्रियॉन्स कलर है ना वो काफी अच्छे लगे मुझे। आपको कैसे लगे दोस्तों प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखते हैं, नेक्स्ट दिखाता हूं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास यूनिकॉर्न का ज्योमेट्री बॉक्स दोस्तों, इसे मैंने 250 रुपीज की परचेज करी है। दिखाता हूँ कितने स्पेस और कितना स्टडी मटेरियल आ जाएगा। लुक देख सकते हो दोस्तों इस पेंसिल बॉक्स का कितना जबरदस्त है। ढक्कन ओपन करके दिखाता हूँ, ढक्कन ओपन करते कुछ इस तरह इंटरफेस मिलता है गाइस। हमें इसके अंदर एक पॉकेट मिल जाती है जिसके अंदर हम क्लास शेड्यूल लिख सकते हैं दोस्तों। पन्नी हटाता हूं, पन्नी हटाने के बाद आपको दिखाता हूं। पन्नी हटाने के बाद हमें गाइस यहां नेविगेशन मिल जाता है, और यहां 3 बटन मिल जाते हैं, एक बटन यहां मिल जाता है। इस बटन से दोस्तों हम दबाएंगे तो दोस्तों हमें यहां पे 2 शार्पनर मिल जाते हैं इस ज्योमेट्री बॉक्स के फ्रंट में दोस्तों। काफी अमेजिंग क्वालिटी, काफी जबरदस्त है देख सकते हो दोस्तों। और हमें इसके अंदर 1 2 3 4 5 पेंसिल लॉक मिल गए, जिसमें हम पेंसिल को लॉक करके काफी अच्छे से रख सकते हैं, और जब भी हम पेंसिल को लॉक कर देंगे फिर हमारी पेंसिल या हमारा स्टडी मटेरियल हिलेगा नहीं दोस्तों, काफी अमेजिंग। चलो इन तीनों बटन का यूज देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले ये नेविगेशन देख लो, कितना बड़ा नेविगेशन मिल गया इसके अंदर। पहले बटन को दबाया तो पहले बटन को दबाने से देखो क्या होता है दोस्तों। पहले बटन को दबाया तो ये देखो दोस्तों, पहले बटन को दबाने से एक कंपार्टमेंट निकलता है दोस्तों, काफी अमेजिंग और काफी यूनिक यार देख सकते हो। यानी हमारा कोई जो भी स्टडी मटेरियल होगा ना वो यहीं से रख सकते हैं, हमें ढक्कन खोलने की जरूरत नहीं होगी दोस्तों। काफी अमेजिंग और बिल्कुल डिफरेंट टाइप का कंपार्टमेंट निकला है दोस्तों पहले बटन को दबाने के बाद। सेकंड बटन को दबाते, सेकंड बटन को दबाने के बाद देखते हैं क्या होता है। सेकंड बटन को दबाते हैं, सेकंड बटन को दबाते ही देखो दोस्तों यहां थर्मामीटर मिल जाता है दोस्तों हमें। थर्ड बटन को दबाते हैं, थर्ड बटन को दबाते ही ये छोटा सा कंपार्टमेंट मिलता है दोस्तों, और इसके अंदर गाइस हम अपने इरेजर या छोटी छोटी आइटम रख सकते हैं दोस्तों। इन तीनों बटन का यूज देख लिया आपने, इस ढक्कन के अंदर का स्पेस देख लिया। पीछे के ढक्कन को ओपन करते हैं, पीछे के ढक्कन को ओपन करके देखते हैं कितना स्पेस है। और गाइस पीछे हमें मिल जाता है नेम और क्लास का स्टीकर गाइस, और हम अपना नाम और क्लास नेम लिख सकते हैं दोस्तों। ढक्कन ओपन करता हूँ, ढक्कन ओपन करके दिखाता हूँ दोस्तों इसका स्पेस। ये
देख सकते हो स्पेस काफी अच्छा है, काफी अमेजिंग है। डबल मैग्नेट मिल जाते हैं जिससे हमारे ये ढक्कन खोलने और बंद करने में हमें ज्यादा दिक्कत ना हो। दोस्तों काफी अच्छी क्वालिटी की पेंसिल बॉक्स है और साइज देख सकते हो इसका कितना जबरदस्त और कितना अमेजिंग। आपको ये पेंसिल बॉक्स कैसी लगी दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखते हैं, नेक्स्ट ही दिखाता हूं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास यूनिकॉर्न का पेंसिल पाउच दोस्तों, ये भी दिखाता हूं और ये देखो दोस्तों कितना अमेजिंग है। चलो दिखाता हूं, इसे 150 रुपीज का परचेस किया है और इसके पॉकेट ना काफी डिफरेंट है, काफी अलग है, ऐसे पॉकेट ना हमें किसी भी पाउच में नहीं मिलते। तो ये देख सकते हो, पहले निकाल लेता हूं बॉक्स से। तो ये देखो दोस्तों इसमें दो पॉकेट मिलते हैं, एक पॉकेट है गाइस ये देखो, एक पॉकेट तो बिल्कुल अलग हट जाएगा और इसमें गाइस हम अपने ईयरफोन रख सकते हैं। इसके ऊपर आप देख सकते हो यूनिकॉर्न की फोटो छपी है, क्वालिटी काफी जबरदस्त है और इसकी जिप देखो दोस्तों कितनी अमेजिंग है। और इसमें हम अपने कुछ भी चीजें रख सकते हैं, स्टडी मटेरियल भी रख सकते हैं या हम अपने ईयरफोन भी रख सकते हैं इस पाउच के अंदर। और फिर हम अपने ईयरफोन रख के इस जगह चिपका देंगे और फिर ये अटैच हो जाएगा हमारे पेंसिल पाउच के अंदर गाइस। और एक और गाइस पॉकेट मिलती है, इस पॉकेट में आप देख सकते हो काफी अच्छा स्पेस मिलता है, इसमें हम अपना छोटा छोटा स्टडी मटेरियल रख सकते हैं दोस्तों, काफी अच्छा स्पेस मिल गया। चलो इसे बंद करते हैं और देखते हैं, जिप मिलती है, जिप काफी सिंपल सी मिलती है, इसे ओपन करते हैं, अंदर का स्पेस देखते हैं। अंदर का स्पेस की बात करें तो ये देखो दोस्तों स्पेस कितना जबरदस्त है, काफी अच्छा स्पेस है और इसके दो जो पॉकेट है ना काफी अमेजिंग है, ऐसे पॉकेट दोस्तों हमें किसी में भी नहीं मिलते गाइस, यानी हटा भी सकते हैं इस पॉकेट को और लगा भी सकते हैं इस पॉकेट को, तो काफी अमेजिंग ये पॉकेट है दोस्तों। और ये पेंसिल पाउच कैसी लगी आपको दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखते हैं, नेक्स्ट चीज दिखाता हूं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास बारहवीं की ज्योमेट्री बॉक्स दोस्तों, काफी अमेजिंग है, काफी सुंदर सी, काफी प्यारी से 198 रुपए की परचेज करी है दोस्तों। डिजाइन देख सकते हो बारहवीं का कितना जबरदस्त है इस पेंसिल के ऊपर गाइस, 3D लुक में दोस्तों ये बारहवीं की फोटो। ओपन करते हैं ढक्कन और देखते हैं कितना स्पेस है, तो ओपन करते हैं कुछ इस तरह इंटरफेस मिलता है और इसका पेंसिल लॉक देखो दोस्तों कितना डिफरेंट है और अलग कलर में, ट्रे से बिल्कुल अलग कलर में पिंक कलर के पेंसिल लॉक मिल गए। और कितने लॉक मिल गए, 1 2 3 4 पेंसिल लॉक मिल गया और बीच में देख सकते हो दोस्तों एक काफी अच्छा सा स्टैंड मिल गया जिससे हमारी पेंसिल बिल्कुल अटैच रहेगी। इस ढक्कन को हटाएंगे तो इसे हटाते ही दोस्तों हमें इसके अंदर वाव, ये देखो दोस्तों एक तो मिल जाती है इसके अंदर पेंसिल, वुडन पेंसिल मिल गई दोस्तों काफी अच्छी क्वालिटी की। और क्या मिलता है इसके अंदर, इसके अंदर मिलता है 15 सेंटीमीटर का रूलर बारहवीं का दोस्तों, काफी जबरदस्त, और 4 बारहवीं की फोटो देखने को मिल जाती है, 3 बारहवीं की फोटो काफी जबरदस्त लग रही है दोस्तों। और देखते हैं क्या मिलता है इसके अंदर, एक मिलता है टाइम टेबल स्टीकर दोस्तों, इसे हम चिपका देंगे, और एक इरेजर मिलता है दोस्तों इसके अंदर। और अंदर वाले कंपार्टमेंट की बात करते हैं तो अंदर वाले कंपार्टमेंट में दोस्तों काफी अच्छा स्पेस है और काफी गहरा स्पेस है और इसके अंदर दोस्तों हमारा काफी सारा स्टडी मटेरियल आ जाएगा। 198 रुपीज का परचेस किया है दोस्तों, आप देख सकते हो काफी अमेजिंग। आपको कैसी लगी दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब दिखाता हूँ आपको नेक्स्ट चीज। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास पो पेट्रोल का सरप्राइजिंग बैग दोस्तों, देखो सरप्राइजिंग बैग है पो पेट्रोल का, और अगर आपके इनके कैरेक्टर के नेम पता हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मुझे इनके कैरेक्टर के नेम नहीं पता, बस मैं कभी कभार देख लेता हूँ ये दोस्तों। और इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें मिलती है, इसके अंदर फोटो फ्रेम, मैग्नेट की चैन, एक्टिविटी बुक दोस्तों, और बैंड मिल जाता है, और पजल मिल जाते हैं, मैग्नेटिक कट आउट स्टिकर मिल जाते हैं, और कलेक्टेबल क्यूब भी मिल जाते हैं इस सरप्राइजिंग बैग के अंदर। चलो देखते हैं इनके अलावा क्या क्या मिलते हैं, क्या ये सारी चीजें मिलती है या कुछ और चीजें मिलती है सरप्राइजिंग बैग के अंदर। इसके प्राइस की बात करें तो मैंने 149 रुपीज का परचेज किया इस सरप्राइजिंग बैग को, और देखते हैं क्या क्या मिलता है हमें, तो सारी चीजें निकाल लेते हैं। चलो एक एक करके निकालते हैं। तो ये देखो दोस्तों सबसे पहले तो पो पेट्रोल का एक्टिविटी बुक मिल गई दोस्तों, काफी अमेजिंग, काफी प्यारी एक्टिविटी, देखते हैं कैसे मिलती है इसके अंदर। आप देखो दोस्तों ये देखो एक्टिविटीज मिल गई, काफी अमेजिंग, काफी सुंदर, और पो पेट्रोल थीम के ऊपर ही सारी चीज़ें बेस हैं दोस्तों, आप देख सकते हो काफ़ी अमेजिंग। और ये क्या देखो दोस्तों इसमें स्टिकर भी मिल गए हमें दोस्तों, वाओ काफ़ी अमेजिंग कलरफुल स्टिकर मिल गए दोस्तों, काफ़ी गजब, काफ़ी सुंदर था। चलो साइड रखते हैं, नेक्स्ट चीज़ देखते हैं इसमें हमें क्या मिलता है इसके अंदर, देखते हैं। और ये देखो दोस्तों ये क्या, ओहो वाओ यार, ये देखो दोस्तों ये क्या, ओहो ये देखो WWE के ट्रम्प कार्ड मिल गए इसके अंदर, जिसका प्राइस है 99 रुपीज, वाओ यार काफी अमेजिंग। चलो फाड़ते हैं, दिखाता हूँ दोस्तों ये ट्रम्प कार्ड कैसे हैं, कैसे लेकर आगे, चलो काटते हैं और देखते हैं इसके अंदर कैसे ट्रम्प कार्ड है। क्या आप WWE देखते हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं तो देखता हूँ कभी कभार, देखता हूँ ज्यादा नहीं देखता। और ये क्या है यार, ये क्या है यार, ओहो ये तो ब्लू कार्ड नहीं है दोस्तों, ये तो कुछ डिफरेंट चीज है, और ये क्या है, और ये तो 200 कार्ड नहीं है, ये तो है बिल्डेबल्स, ओहो वाओ यार अमेजिंग, और इसके ऊपर तो बिल्डेबल्स लिखा हुआ है, मैं तो देखा भी नहीं था दोस्तों ये बिल्डेबल्स, ओहो ये काफी अमेजिंग, दो बिल्डेबल्स मिल जाते हैं इसके अंदर, देख सकते हो कितने अमेजिंग, कितने प्यारे और काफी जबरदस्त, ऐसी चीज तो हमें किसी भी सरप्राइजिंग बैग में नहीं मिलता दोस्तों, और जबरदस्त बिल्डेबल मिल गई दोस्तों इस पो पेट्रोल सरप्राइजिंग पाउच के अंदर दोस्तों। और देखते हैं दोस्तों क्या मिलता है इसके अंदर, तो इसके अंदर का पेट्रोल का एक काफी अमेजिंग फोटो फ्रेम मिल जाता है, देख सकते हो दोस्तों काफी
काफी सुंदर, काफी अमेजिंग। पीछे हमें टेप मिल जाती है जिससे हम टेप को हटा के हम इसे कहीं पे भी चिपका सकते हैं अपने वॉल पे। काफी जबरदस्त और अच्छी क्वालिटी का हमें फोटो फ्रेम मिल गया। और देखते हैं दोस्तों क्या मिलता है इसके अंदर। तो ये देखो दोस्तों, ये क्या दोस्तों, बैच मिल गया हमें प्रो पेट्रोल का, अमेजिंग यार। और इसे तो हम अपने शर्ट पे लगा के घूमेंगे दोस्तों, काफी जबरदस्त और काफी अमेजिंग चीज मिल गई। और देखते हैं दोस्तों इसके अंदर क्या मिलता है। और देखते हैं दोस्तों, और ये देखो दोस्तों, ओहो वाओ काफी अमेजिंग है। एक मैग्नेटिक की चैन मिल गया प्रो पेट्रोल का। और क्या मिलता है दोस्तों इसके अंदर, इसके अंदर प्रो पेट्रोल का एक 3D कार्ड मिल जाता है दोस्तों, देख सकते हो काफी सुंदर और काफी प्यारा सा। आपको निकाल के दिखाता हूँ, ये देखो 3D कार्ड है। ये 3D कार्ड बिल्कुल डिफरेंट, और ऐसा 3D कार्ड आपने कभी नहीं देखा होगा, बिल्कुल सिंपल सा है। और इसके ऊपर गाइस जब हम ये पन्नी लगाएंगे फिर जब हमें दिखेगा ये प्रो पेट्रोल की पिक्चर्स गाइस, काफ़ी अमेजिंग चीज़ निकल गई। और क्या निकलता है इसके अंदर, तो पैकेट हो गया बिल्कुल खाली। तो ये सारी चीज़ें निकली थी। आपको इन सब में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी दोस्तों, प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सबसे अच्छा तो वैसे मुझे ये लगा बिल्डेबल चीज़ काफ़ी अमेजिंग लगी, और ऐसे बिल्डेबल हमें किसी भी इस चीज़ में नहीं मिले। पहली बार हमें बिल्डेबल सरप्राइजिंग बैग में मिला है दोस्तों, काफ़ी अमेजिंग, काफी सुंदर। चलो साइड रखते हैं, नेक्स्ट चीज दिखाता हूं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास मैक्सिम की ज्योमेट्री बॉक्स दोस्तों, काफी सुंदर और काफी प्यारी सी ज्योमेट्री बॉक्स है। इसे मैंने 250 रुपीज की परचेज करी है। आप देख सकते हो काफी सुंदर है, काफी अमेजिंग है। इसमें गाइस हमें 1 2 3 4 बटन मिल जाते हैं। चारों बटन का यूज देखते हैं क्या है दोस्तों। सबसे पहले ढक्कन ओपन करते हैं। ढक्कन ओपन करते ही गाइस इसके अंदर हमें पेंसिल लॉक मिल जाता है और काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है। और पेंसिल लॉक कितने मिलते हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5 पेंसिल लॉक मिल जाते हैं। और बटन का यूज करके देखते हैं, पहले बटन को दबाया तो पहले बटन को दबाते ही शार्पनर ऊपर निकला। सेकंड बटन को दबाते ही देखो दोस्तों इसमें हमें निकला कैलेंडर। वाह वाह दोस्तों काफी अमेजिंग यार, कैलेंडर तो दोस्तों हमें किसी भी स्टेशनरी ज्योमेट्री बॉक्स में नहीं मिलता दोस्तों। इसमें हमें ज्योमेट्री में कैलेंडर मिल गया दोस्तों में, और इस कैलेंडर को हम सेट भी कर सकते हैं इसे घुमा घुमा के। आप देख सकते हो इसे हम घुमा के हम टाइम और डेट सेट कर सकते हैं, काफी जबरदस्त काफी अमेजिंग। तीसरे बटन को दबा के देखते क्या होता है। तीसरे बटन को दबाया तो एक छोटा सा कंपार्टमेंट निकला दोस्तों, चलो अमेजिंग। चलो इसे बंद करते हैं और दबाते हैं रेड बटन को दबाने से देखते हैं क्या होता है। तो इसके अंदर थर्मामीटर निकला है दोस्तों। ग्रीन बटन को दबाते हैं, ग्रीन बटन को दबाने से ये देखो दोस्तों, ये देखो काफी अमेजिंग कंपार्टमेंट निकल गया दोस्तों। जो फ्रंट वाला कंपार्टमेंट था ग्रीन बटन को दबाते स्लाइड हो गया, ये देख सकते हो दोस्तों। काफी अमेजिंग यार, काफी जबरदस्त, काफी बढ़िया लग रहा है, अमेजिंग। और ये कितने बटन वाली ज्योमेट्री बॉक्स है काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 बटन वाली ज्योमेट्री बॉक्स है, काफी अमेजिंग। बैक साइड के ढक्कन को ओपन करके देखते हैं कितना स्पेस मिलता है। बैक साइड के ढक्कन को ओपन किया तो कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलता है, और स्पेस भी काफी जबरदस्त मिल जाता है ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर दोस्तों। काफी प्यारी ज्योमेट्री बॉक्स है दोस्तों। चलो साइड रखते हैं, नेक्स्ट दिखाता हूं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास यूनिकॉर्न की पेंसिल बॉक्स दोस्तों, काफी जबरदस्त काफी प्यारी सी पेंसिल बॉक्स है। और इसके अंदर भी गाइस हमें मिल जाते हैं थर्माकोल बबल्स दोस्तों, जो काफी अमेजिंग लग रहे हैं। और ये देखो गिलास के अंदर भरे हुए हैं ये थर्माकोल बबल्स, और वाह यार ये देखो कितना अमेजिंग। और गाइस इसमें हमें कितने कमांड मिलते हैं, कितना स्पेस मिलता है, तो ढक्कन को ओपन किया ये देखो थर्माकोल बबल्स मिल गए, काफी अमेजिंग। और इसका इस पन्नी को हटाते हैं और देखते हैं ये ज्योमेट्री बॉक्स, देखो ये पन्नी को हटा ली। और इसका लॉक देखो दोस्तों, पेंसिल लॉक कितना अमेजिंग है। और इसमें कितने पेंसिल लॉक मिल गए, 1 2 3 4 5 पेंसिल लॉक मिल गए। स्पेस काफी अच्छा मिल गया और काफी अच्छी क्वालिटी की ज्योमेट्री बॉक्स है, ये देख सकते हो कितने अमेजिंग पेंसिल बॉक्स है दोस्तों, काफी जबरदस्त। और फ्रंट में गाइस हमें 2 शार्पनर मिल गए, 1 बटन मिल गया। इस बटन को दबाएंगे तो इसका ढक्कन ओपन हो जाएगा और फिर पेंसिल को शार्प कर सकते हैं। छोटा शार्पनर, एक बड़ा शार्पनर मिल जाता है दोस्तों। और देखते हैं क्या होता है। तो इस वाले कंपार्टमेंट को ओपन करेंगे तो एक और कंपार्टमेंट मिलता है जिसके अंदर गाइस हम अपना कुछ भी स्टडी मटेरियल रख सकते हैं दोस्तों। चलिए इसे बंद करते हैं, बैक साइड के ढक्कन को ओपन करते हैं। बैक साइड ढक्कन में देखते हैं कितना स्पेस है, इसे भी ओपन करते हैं और इसमें देख सकते हो कुछ इस तरह इंटरफेस मिलता है। और इसमें भी दोस्तों हम काफी सारा स्टडी मटेरियल रख सकते हैं। तो काफी प्यारी ज्योमेट्री बॉक्स है, क्वालिटी काफी जबरदस्त है, काफी अमेजिंग है। इसे 180 रुपीज की परचेज करी है दोस्तों मैंने। चलो साइड रखता हूँ, नेक्स्ट चीज दिखाता हूँ। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास ये है गाइस BTS का पेंसिल पाउच दोस्तों, काफी जबरदस्त काफी अमेजिंग। इसे निकालता हूँ दिखाता हूँ ये पेंसिल पाउच। और BTS को मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, आपको कैसा लगता है BTS प्लीज दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर BTS पसंद हो तो कर देना इस वीडियो को लाइक दोस्तों। अब देख सकते हो BTS की सारी फोटो छपी है और इसमें हमें एक जिप मिलती है और इसके अंदर का स्पेस देखते हैं। देखो दोस्तों स्पेस काफी अच्छा मिल जाता है और इसमें हमारा काफी सारा स्टडी मटेरियल भी आ जाएगा। और इसके बैक साइड पे भी दोस्तों BTS लिखा है दोस्तों, काफी अमेजिंग काफी जबरदस्त दोस्तों। साइड रखते हैं, नेक्स्ट दिखाता हूँ। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास कार की वाली ज्योमेट्री बॉक्स दोस्तों, काफी जबरदस्त काफी अमेजिंग। और इसके अंदर देखो दोस्तों लिक्विड
वेट भरी हुई है दोस्तों, जो काफ़ी अमेजिंग लग रही है। इस पेंसिल पाउच का लुक तो काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है, काफ़ी अमेजिंग। और इसे ओपन करके देखते हैं दोस्तों इसमें कितना स्पेस मिलता है हमें। तो ढक्कन ओपन किया, ढक्कन ओपन करते ही गाइस कुछ इस तरह इंटरफेस मिलता है। और गाइस इसके अंदर गाइस हमें ट्रे मिलती है और इसके अंदर गाइस हमें टेबल देखने को मिल जाती है। ये देखो दोस्तों इसके ट्रे के ऊपर देखो दोस्तों, और नीचे वाले कंपार्टमेंट में काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है। और इसमें भी दोस्तों हमारा काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल आ जाएगा दोस्तों। इसे मैंने 160 रुपीज़ की परचेज करी है। चलो साइड रखते हैं, नेक्स्ट चीज़ दिखाते हैं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास आयरन मैन की ज्योमेट्री बॉक्स दोस्तों, काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी अमेजिंग। और ऐसी ज्योमेट्री बॉक्स आपने कभी भी नहीं देखी होगी दोस्तों, काफ़ी प्यारी ज्योमेट्री बॉक्स है, काफ़ी अमेजिंग। ढक्कन ओपन करते गाइस कुछ इस तरह इंटरफेस मिलता है, काफ़ी अच्छा स्पेस मिल गया है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सा स्पेस मिल गया। और इसका कलर देखो दोस्तों ब्लैक कलर का, और ब्लैक कलर की ज्योमेट्री बॉक्स तो आती भी नहीं है, बट ये ब्लैक कलर की है ना वो काफ़ी अमेजिंग लग रही है दोस्तों। और चलो ढक्कन ओपन करते हैं, ढक्कन ओपन करते इसमें देखो दोस्तों हमें 1 2 3 4 5 पेंसिल लॉक मिल गए, स्पेस काफ़ी अच्छा मिल गया। और एक देखो दोस्तों हमें मार्कर मिल गया, मार्कर क्यों मिला है दोस्तों इसके अंदर, तो ये देखो दोस्तों हमें यहाँ मिलता है एक पॉइंट, इस पॉइंट को खींचेंगे दोस्तों तो हमें इसके अंदर मिलता है एक वाइट बोर्ड दोस्तों, जिससे हम अपने मार्कर से इसे वर्क कर सकते हैं। तो मार्कर हमारा सूखा हुआ है तो इसके अंदर पानी डालेंगे, फिर हमारा ये मार्कर एक्टिव हो जाएगा दोस्तों। और फ्रंट में दोस्तों हमें मिलता है एक डस्टर, इस डस्टर से हम मिटा देंगे दोस्तों इस जगह। तो काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी अमेजिंग व्हाइट बोर्ड वाली ज्योमेट्री बॉक्स है। आपको कैसी लगी दोस्तों प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताने। चलो साइड रखते हैं, नेक्स्ट दिखाते हैं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास ये है स्पेस वाला कलर दोस्तों, काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी अमेजिंग, दिखाता हूँ ये कैसे हैं। और ऐसे स्केच पेन आपने नहीं देखे होंगे, देखो दोस्तों निकालता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों, ये देखो दोस्तों लुक देख सकते हो दोस्तों कितने ज़बरदस्त। और कौन से कलर गाइस, ये ऑरेंज, येलो, लाइट पिंक, डार्क पिंक, ग्रीन और ये है स्काई ब्लू। तो इसे इस तरह निकालेंगे और फिर हम चलाएंगे। और ये दोस्तों कलर नहीं है दोस्तों, ये तो है एक हाइलाइटर। अरे वाह काफ़ी अमेजिंग, देख सकते हो दोस्तों काफ़ी अच्छी क्वालिटी की हाइलाइटर है। आप इसे निकाल के दिखाता हूँ तो नीचे गिर गया, एक और दिखाता हूँ। तो ये देखो दोस्तों इसे भी निकालते हैं, ये भी निकल गया गलत। और ये देखो ये इस कलर को चला के दिखाता हूँ, ये देखो हाइलाइटर काफ़ी जबरदस्त, काफ़ी अमेजिंग, अच्छी क्वालिटी का दोस्तों हमें हाइलाइटर मिल गया। आपको कैसा लगा दोस्तों ये हाइलाइटर दोस्तों प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। और आज का कलेक्शन आपको कैसा लगा दोस्तों ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छे लगे तो कर देना वीडियो को लाइक दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। और आपको किसी भी कलेक्शन, किसी भी अनबॉक्सिंग की वीडियो देखनी है आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो, उस कलेक्शन, उस ज्योमेट्री बॉक्स, उस टॉय कलेक्शन की वीडियो जरूर लेके आऊँगा गाइस। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छी वीडियो, जब तक बाय बाय दोस्तों।